श्री शिवाय नमस्तोंभ्याम हर हर महादेव पांच कारण जिनकी वजह से भगवान शंकर को सावण अति प्रिय है पहला कारण जब समुद्र मंत्र से विष निकला था भगवान शंकर ने उस विष को पिया था तो तैंतीस कोटि देवी देवताओं ने भगवान शंकर की स्तुति की थी भगवान शंकर पे पुष्प वर्षा की थी इसलिए भगवान शंकर को सावन प्रिय है दूसरा कारण माता सती ने सावन के महीने में ही भगवान शंकर की सबसे ज्यादा आराधना की थी वह नित्य प्रतिदिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी उसका पूजन अर्चन कर कर शाम के समय उसका विसर्जन कर थी प्रतिदिन एक शिवलिंग का निर्माण कर उसका विसर्जन करती थी इसलिए भगवान शंकर को सावन अति प्रिय है तीसरा कारण भगवान विष्णु जब चतुर्मास में शयन क्रिया शयन शयन के लिए जाते हैं तो बडला नवमी के दिन ही भगवान भोलेनाथ को सारा कार्यभार संभाल के जाते हैं पूरी सृष्टि का सारे भार कार्यभार भगवान शंकर को ही संभाल के जाते हैं इसलिए भगवान शंकर को सावण अति प्रिय है चौथा कारण माता पार्वती ने भी सावण के महीने में ही भगवान शंकर की आराधना की थी बहुत ज़्यादा आराधना की थी और माता पार्वती और भगवान शंकर का मिलन भी सावन के महीने में ही हुआ था इसलिए भगवान शंकर को सावन अति प्रिय है और पांचवा कारण भगवान शंकर ने माता पार्वती को सावन के महीने में ही अमर कथा सुनाई थी ये वो पांच कारण हैं जिसकी वजह से भगवान शंकर को सावन अति प्रिय है श्री शिवाय नमस्तोप्यम